हाय फ्रेंड्स, मैं योगिता आपका योगिता स्पाइसी ढाबा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ चाइनीज समोसा की रेसिपी, जो कि बहुत ही फास्ट और टेस्टी बनती है। आप इसे बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं या पार्टीज में भी बना सकती है। चलिए रेसिपी की तरफ। एक पैन में तेल लीजिए, 4 टीस्पून, पैन में तेल लीजिए, इसमें बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन डालिए, और स्लाइस में कटी हुई प्याज डालिए। धीमी आंच पर इसे होने दीजिए, और शिमला मिर्च स्लाइस में कटी हुई डालिए। और इसमें स्लाइस में कटा हुआ टमाटर डालिए। धीमी आंच पे इसे हिलाइए। अब इसमें 2 टीस्पून टोमेटो सॉस डालिए, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1/2 चम्मच नींबू का रस, 1 बाउल उबाली हुई नूडल्स डालिए, 1/2 चम्मच और इसे मिक्स करने के बाद इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए, 1/2 टीस्पून नमक डालिए और हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। गैस बंद कर दीजिए, इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। नूडल्स ठंडा होने तक हम समोसा की पापड़ी बना ले। और एक ये मैदा मैंने गरम तेल, नमक और लाल कलर डाल के भुना हुआ है, इससे और इस पर 2 छोटे छोटे व्हाइट मैदे का जो डिज़ाइन बनाने के लिए ऐसे 2 बॉल डालिए और इसे प्रेस की करिए और लंबे शेप में इसकी चपाती बना लीजिए। ये अभी रेडी है, इसे बीच में से काट ले और ये हाथ में पकड़ के इसका कोन बना लीजिए, कुछ इस तरह इसे चिपका कर इसे इस तरह से चिपका दे, और ऐसा कोन बनने के बाद इसमें ठंडी हुई हुई नूडल्स भरिए। और नूडल्स भरने के बाद इसे इस तरह पैक कर लें।
ऐसा समोसा, ऐसे समोसे तैयार कर लीजिए। बस स्टॉप। तेल गरम होने के बाद समोसे इसमें तल ले और समोसे धीमी आंच पर तलने दे ताकि वो अंदर से कच्चे भी ना रहे और ऊपर से जले भी ना। इसे सुनहरा रंग आने तक तलिए ताकि ये अंदर से बाहर से बहुत क्रिस्पी हो। अब ये निकालने के लिए रेडी हो चुके हैं, अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी हो चुके हैं। ये चाइनीज समोसा अब रेडी हो चुका है खाने के लिए तैयार। बस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अगले नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।